वो भी कोई ड्रामे का चैनल था, मतलब कोई न्यू मतलब लॉन्च हुआ था, वहां मैं गई हूँ, बैठी हूँ, डायरेक्टर ने बैठे बैठे बस मेरा हाथ पकड़ लिया कि आपने मेरे लिए काम करना है, मेरे चैनल के लिए प्रोमो करना है, ये करना है, वो करना। फिर मैंने डायरेक्टर को डांटा, मैंने कहा आप इस तरीके की ये हरकतें ना करें। वो कहने लगे ठीक है आप जा सकते हैं एज यू विश। मेरे दिल में तो यही था कि मतलब हमने पैसे देने, हमने अपना काम करना है, अपने आप को हमने मॉडल बना लेना एक दिन। मगर वहां कुछ और चक्कर था। सब लड़कियों को यहाँ पे ना हरेसमेंट भी किया जाता है, काफी लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि नहीं अगर आपने हमारी अगर मर्जी से नहीं चलना तो आपको कोई काम नहीं मिलना। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट सही। आज जो मेरे साथ लड़की मौजूद है, पहले तो बहुत अच्छी जॉब कर रही होती है, फिर एकदम इसको शौक पड़ता है शोबिज का, वहाँ जाती है इसके साथ, आखिर ऐसा क्या होता है कि इसको शोबिज से नफरत हो गई है? आइए सारी कहानियां मिनी से भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हानिया। कहाँ रहती हैं आप? मैं कहाँ रहती हूँ, इधर ही लाहौर में होती हूँ। लाहौर में ही होती हूँ जी। जी क्या करती थी पहले आप? पहले मैं मैक टैलेंट वालों के साथ करती थी, मतलब शोबिज वगैरह से पहले ना मेरा खुद मेकअप एजेंसी के साथ ताल्लुक था। अच्छा, तो वहाँ कितना अरसा वो ताल्लुक रहा है आपका? मैक्सिमम मैं ऑफिस वर्किंग करती थी तो हो गए 3 इयर्स, तो हो गए मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? वहाँ का अच्छा था, सो बेटर जी। जी तो आखिर ऐसा क्या आपको सूझा या मतलब सोच आई कि मुझे शोबिज में जाना चाहिए? मेरी 2-3 दोस्तें थी, उनको देख के मुझे बड़ा शौक था। मैंने कहा मॉडल्स इतना बनती है, इतनी प्रोग्रेस होती है, फिर बाहर चले जाती हैं, इतना यू नो कि मतलब इस फील्ड में ज्यादा मतलब लोगों के पास पैसा है तो किस तरीके से उनकी अर्निंग होती है, कैसे वो फेमस हो जाती है ये इस मतलब फील्ड सोच में में। था कि वो किस तरह कमाते हैं, मैं भी मतलब कमाना चाहती हूँ, या इस फील्ड में आखिर ऐसा क्या है? हाँ मेरी थिंकिंग थी इस बारे में, मैं ये कहती थी कि चलो ब्रांड शूट वगैरह मुझे करवाएं। तो फिर मेरी एक दफा एक डायरेक्टर से बात हुई, वो मेरे ऑफिस ही आया था ना, जब वो फिर अपना नंबर देके गया मुझे बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा मैंने भी एक दिन मॉडल बनना है, बहुत बड़ी मॉडल। बस मैं उसके स्टूडियो गई हूँ, वहां गई हूँ, जब मैंने वहां की सिचुएशन देखी, वहां मैंने लोगों को देखा, और फिर एक वाक्य बहुत बुरा हुआ मेरे सामने। तो क्या इससे ऐसा क्या वाक्य था जो बहुत बुरा आपके सामने हुआ था? वाक्य बहुत ज्यादा अजीब था, मतलब मैंने स्टूडियो में जैसे मैं अंदर गई हूँ, मैंने रूम ओपन किया है, सामने कैमरा मैन जो खड़ा हुआ था वो सार लड़की के सारे खड़ा हुआ था। हाँ मुझे, मैं बहुत उस टाइम पे डिसहार्ट मतलब हुई। जब आपने ये सीन देखा तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक्शन लिया हो वहां पे घर के, किसी से पूछा हो कि मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने वहां पे जो अंदर था ऑफिस बॉय, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इसके बारे में बताएं प्लीज, आप तो जानते हैं कि ये क्या सब कुछ है, लड़कियों को इतना मतलब मीडिया फील्ड में लेकर आते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, विल रेस्पेक्ट आपको, सारा काम जो होगा आपकी मर्जी से होगा, डिपेंड ऑन योर मूड। तो बस इसलिए मैंने जब उससे पूछा, उसने मुझे बिल्कुल साफ ये कहा कि यहाँ गिव एंड टेक होता है, मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा, जब आपने सुना कि यहाँ पे गिव एंड टेक होता है तो क्या सोचा था आपने? मेरे दिल में तो यही था कि मतलब हमने पैसे देने, हमने अपना काम करना है, अपने आप को हमने मॉडल बना लेना एक दिन। मगर वहां कुछ और चक्कर था इसका, तो जब वो आपने ये सारा सीन देखा तो फिर क्या सोचा, क्या मतलब आगे क्या किया था आपने? मतलब फिर मैंने अपने माइंड को चेंज किया, उसके बाद मैं इस फील्ड से काफी दूर हो गई। नहीं तो क्या आपने सोचा क्या पता इस फील्ड के शायद यही जो जगह थी वो सही ना हो, और भी तो मतलब है प्लेसेस या और भी जो जगह होती है वहां पे भी आपको अच्छा सुटेबल मिला? जगह भी काफी थी इसके अलावा, जब ये मैं यहाँ से गई हूँ स्टूडियो से, फिर मैं दूसरी जगह गई हूँ, वो भी कोई ड्रामे का चैनल था, मतलब कोई न्यू मतलब लॉन्च हुआ था, वहां मैं गई हूँ, बैठी हूँ, डायरेक्टर ने बैठे बैठे बस मेरा हाथ पकड़ लिया कि आपने मेरे लिए काम करना है, मेरे चैनल के लिए प्रोमो करना है, ये करना है, वो करना। फिर मैंने डायरेक्टर को डांटा, मैंने कहा आप इस तरीके की ये हरकतें ना करें। वो कहने लगे ठीक है आप जा सकते हैं एज यू विश। अरे जब आपके साथ ये सब होता रहा तो फिर उसके बाद आपने फिर क्या सोचा? मुझे पैसों की नीड थी, मैंने कहा चलो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, मैंने अपना एक दिन मैंने अपने आप को प्रोग्रेस कर लिया। ऐसी बात नहीं कि इस फील्ड में बुरे ही लोग हैं, इस फील्ड में मुझे अच्छे लोग भी मिले, मतलब उन्होंने मेरी काफी हेल्प आउट की। इसके अलावा काफी डायरेक्टर वगैरह भी कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, मैं ये नहीं कहूँगी ये फील्ड बुरी है, बस फील्ड में लोग हैं वो जो सारे मिल जाते हैं, आपको पता है ना कि एक जगह अच्छा होता है तो एक जगह वहां पे बुरा भी होता अच्छा, है। अच्छी खासी आप जब जॉब जो वो कर रही थी कॉस्मेटिक की, तो जब आपने ये छोड़ दी फिर तो क्या थोड़ा सा सोचा भी नहीं कि नहीं यार मैं जो जॉब कर रही हूँ ये सही है, मुझे मतलब इतनी जल्दी नहीं आगे जाना चाहिए? हाँ मैंने ये या सोच, आपके घर वालों में किसी ने आपको कहा हो कि मत करो या ना जाओ शॉपिस की फील्ड में? जी जी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत रोका, उन्होंने मुझे काफी फोर्स किया कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, आपके लिए सुटेबल नहीं है। बट मैंने कहा मुझे तो अर्निंग करनी है, मुझे कैसे भी अर्निंग हो, मुझे कुछ लोग बहुत अच्छे भी मिले इस फील्ड के अंदर। तो फाइनेंशियली आपको मतलब जरूरत थी आपके अपने शॉप के लिए जाती थी? फाइनेंशियली हाँ मुझे फाइनेंशियली जरूरत भी थी। जरूरत थी। तो कितने बहन भाई आप लोग? तो हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, एक 1 ब्रदर्स। सिर्फ आप ही यहाँ काम करते हो या और भी काम करते हैं?
मतलब मेरा भाई तो छोटा है अभी, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ी सी से उसने एक दफा मतलब गई थी ऑफिस वर्किंग की थी, वो सो बेटर। फिर उसके बाद उसको भी मीडिया का था, मतलब मुझे देख के वो दूर हट गई। उसके बाद उसने मतलब इस फील्ड से किनारा कर लिया, उन्होंने इस फील्ड से किनारा कर लिया, और किनारा। आपने अभी तक किनारा किया या नहीं किया? मैं इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मगर ये कि देखे ना, अब पॉजिटिव वे भी तो इंसान देखेगा। मतलब जिसके पास मैं गई हूँ, कुछ जब मुझे नेगेटिव वे पता चला, लड़कियों को मतलब ब्लैकमेल आपने जब कर। इस फील्ड में जाना शुरू किया, आपको स्टार्टिंग ही नेगेटिव मिली और स्टार्ट ही आपका इंप्रेशन बुरा गया था। हाँ, मतलब लड़कियों को यहाँ पे ना हरेसमेंट भी किया जाता है काफी। लड़कियों को ऐसे कहा जाता है कि नहीं, अगर आपने हमारी अगर मर्जी से नहीं चलना तो आपको कोई काम नहीं मिलना। उन्होंने साफ साफ वो कह देते कि ठीक है, एज यू विश, जैसा आप करना चाहें, फिर आप हमसे उम्मीद नहीं रखें, हम ना आपको पैसे दे सकते हैं ना टैलेंट दे सकते हैं। इस बात में बहुत ज्यादा मतलब अरे तो आपने अपने इन्होंने दोस्तों से भी, मतलब आप ही जैसा आप बता रहे हैं, जब अपने दोस्तों को देखती थी वो मतलब बहुत आगे जा रहे थे, तो क्या मतलब वो भी इसी फील्ड में ऐसे ही थे या फिर उनका कोई और तरीका था? नहीं, दो तीन दोस्त मेरी इस फील्ड में कामयाब भी है। मैं जानती हूँ वो किस लिए कामयाब है, उन्होंने क्या मतलब पॉजिटिव वे अपनाया है। मतलब उनके साथ भी तो इस टाइप का कुछ हुआ ही होगा ना, तो वो आगे बढ़ गई है। बट मैं जो हूँ ना इस फील्ड से, मुझे नहीं है तो थोड़ा क्या आगे आप क्या करना चाहती हैं, मतलब आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी, जो फाइनेंशियली आप इतना मतलब वीक हैं उसको कैसे मैं पूरा अपना करेंगी मतलब आप? मैंने खुद ने अपना मॉडलिंग एजेंसी बनानी है। अब मेरा इरादा ये है कि मैंने अपनी चार पांच कुलीस को लेकर ना, हम लोगों ने अपने ही मतलब सेटअप करना है। मतलब अगर मतलब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का मिल जाता है, पसंद आ जाता है, कोई शादी करने का अगर मौका मिलता है, तो क्या मतलब कैसा लड़का होना चाहिए, क्या ये सारा कुछ शादी तो एक दिन होनी होती है। शादी के लिए लड़का ऐसा हो जो मेरे साथ कंप्रोमाइज करे, जो मेरी विशेष समझे, जो मतलब मुझे मीडिया से ना रोके, मुझे मेरे टैलेंट से ना रोके, मुझे हर चीज में मतलब आगे बढ़ने की आजादी हो, और दूसरा है कि मेरे साथ कंप्रोमाइज ही, फिर मैंने शादी कर लेनी फिर आपने शादी कर ली। जितना जरीन आपने इसकी बातें सुनी है कि इसको लड़का कैसे चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज करे, कोई है तो फिर हमसे को रब्ता करें। उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।